मॉर्निंग दोस्तों, टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए परसेंटेज की दूसरी क्लास लेके आया है। पहली क्लास में हमने परसेंटेज का इंट्रो देखा था कि कैसे परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आइए अब आज इसमें कुछ इसके ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें हम कैसे मजेदार तरीके से करना है वो सीखते हैं। ठीक है, मैथ्स घबराने की चीज नहीं है, मैथ्स करने की चीज है। जितना मैथ्स में मजा लेंगे मैथ्स मजे से होता चला जाएगा। ठीक है, तो बिना डरे हम करेंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से हम सारे सवालों को बढ़िया बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक से सीखेंगे। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए हम देखते हैं परसेंटेज। अभी हमारा इसमें क्वेश्चन है, कहता है किसी संख्या का 75% यदि 600 है तो बताइए संख्या का 60% क्या होगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, हर बार बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर, जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर, बस आपको याद रखना है इसे, हमेशा काम आएगा। ये सदाबहार फॉर्मूला है, एवरग्रीन है, हर जगह मिलेगा। ठीक है, कहता है कि 75% 600 है, बताओ 60% क्या होगा। मैंने कहा क्या दिया हुआ है सवाल में आपको, 75%, तो जो दिया है वो नीचे। क्या पूछ रहा है आपसे, 60%, तो जो पूछेगा वो ऊपर। गुड, जो दिया है वो नीचे और जो पूछ रहा है वो ऊपर, जो साइड है उसको तो साइड ही ले लो, हमेशा लगा दोगे। ओके, चलिए काट लो। मैंने कहा ये कटा आपका, देखो 75 से 600 को काट लीजिए। ओके, ये गया 8 times, ये आपका आ गया 480 आंसर। ठीक है, ओके, चले आगे, कोई तकलीफ इसमें, सबको आया। अगला देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 27% बचत करता है। देखिए पहला हो गया, अब आते हैं दूसरे पे। कहता है 27% वो बचत करता है, कितनी बचत कर रहा है वो, 27%। अच्छा, कुल परसेंट होता है 100, जब मैं 27% बचा रहा हूं, 100% कमा के 27% बचा रहा हूं, तो बताइए खर्च कितना करता होऊंगा। जब मैं 27% बचत कर रहा हूं तो खर्च कितना करूंगा, 73%। गुड, और कहता है उसका खर्च रुपए में कितना है, रुपए में कहता है 5840। ठीक है, ओके, कहता है मैंने कहा मासिक खर्च है 73%, वो कहता है मासिक खर्च है 5840 रुपए, यानी 73% क्या हुआ, 5840। अगर वो पूछता उसकी बचत बताओ तो मैं कहता 27% क्या, समझ आया ना। और ये दिया हुआ है ये नीचे, जो पूछेगा वो ऊपर, पर इसने क्या पूछा है, कहता उसकी मासिक आय, आय कितनी होगी, 100%। समझ आया ना, 27 बचत, 73 खर्च, तो कुल आय कितनी, 100। देखो 5840 साइड, जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर, आपकी आय आ गई। अगर ये बचत पूछता तो 27 ऊपर आता। ठीक है, 73 काट लेंगे आप, ये 8 times कट गया, एक जीरो बचा हुआ है, ये आपका आंसर आया 8000 rupees उसकी मासिक आय। ठीक है, यहां पर चले आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। समझना, मैंने कहा पहले अगर उसकी आय 100 है, ठीक है, खर्च कितना कर रहा है 80, ये इनकम और ये सेविंग। ठीक है, कहता है अगर मैं, सॉरी खर्च, तो इनकम अगर 100 है तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका 80, तो सेविंग कितनी हो गई उसकी, बचत हो गई 20। ठीक है, कहता है उसकी आय में 50% वृद्धि हो, 50% क्या होता है, आधा, 100 में आधा बढ़ गया, यानी आय कितनी हो गई, 150, बोलिए ओके। और बचत में 40% की वृद्धि हो, पहले बचत कितनी थी 80, अब 80 का 40% कितना होता है आप जानते हैं, निकाल लेंगे, 8 4 जा 32। ठीक है, बचत में 32 की वृद्धि हुई, पहले बचत थी 80, अब बचत हो गई 112, अब उसकी आय 150 है और 112 वो बचत कर रहा है, तो बताइए खर्च कितना करेगा, सॉरी, एक अब उसकी जो खर्च है वो 112 है,
आय हो गई 150 और खर्च हो गया 112। तो कहता है बताइए अब वो बचत कितनी करेगा। ठीक है ना, कितनी बचत हो रही है उसकी, देखो 150 में से 112 खर्च कर रहा है यानी कि 38, कितनी बड़ी यानी कि 19। कहता है बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैंने कहा पिछले वाले चैप्टर में बताया था, पिछली क्लास में, कितनी बढ़ रही है 18, ठीक है, कितने में से 20 में से गुणा 100। वृद्धि प्रतिशत तो वृद्धि ऊपर, ओल्ड डाटा नीचे, जिससे पहले वाला डाटा नीचे आता है, गुणा 100, नीचे हमेशा ओल्ड डाटा, ठीक है, 18 पंजे 90%। ओके, यहां तक समझ आया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो अगला टाइप है, इस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे, इस पे हम कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, इस पे हमारा एक पूरा एक सीरीज बनेगी, ढंग से ध्यान से समझना। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ जाती है, फिर उसके बाद 20% और बढ़ाते, उसने अच्छा काम किया, फिर 20% और बढ़ा दी सैलरी। कहता है अब उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये हम बहुत ही बेसिक सवाल है, हम इसमें गड़बड़ करते हैं, हम सोचते हैं पहले 10 बढ़ा फिर 20 बढ़ा, तो 10 जमा 20 30 होता है, पर मैं आपको बताऊं 10 जमा 20 30 नहीं होता है। ठीक है, क्या करेंगे आप इसमें, आपको हमेशा याद रखना है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कमी होगी तो माइनस लगाएंगे। कैसे, पहले 10 बढ़ा फिर 20 बढ़ा, फिर 10 गुणा 20 बटा 100, दोनों ही प्लस हैं, तो ये आया ऐसे। ओके, क्या हुआ ये, एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, 10 और 20 30, और 2 एकम 2, 32% हमारा आंसर। समझ आया ये सवाल, ऐसा ही दूसरा सवाल देखिए अब, चलिए इस दूसरा सवाल देखते हैं। आइए अब देखिए जो अब दूसरा सवाल आपका है, आप इसे ऊपर देखें। कहता है एक वस्तु का दाम पहले 10 20% बढ़ा दिया गया, पहले क्या हुआ 20% दाम बढ़ा दिया, फिर बढ़े हुए दाम में 10% कमी कर दी, फिर क्या कर दी 10% कमी। तो वही है, दो बार जब भी मैंने कहा परसेंटेज में प्लस माइनस कुछ भी होगा, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, दो बार परसेंटेज में प्लस माइनस माइनस कुछ भी होगा, हम इसे यूज करेंगे, और यूज करेंगे कैसे, देखो ऐसे, ए बी ए गुणा बी बटा 100, ये प्लस है ये माइनस है, एक प्लस माइनस, तो प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस, बिल्कुल ठीक, 20 से 10 गया 10, और ये 2 जीरो कट गए, माइनस का 2 8% प्लस आ रहा है तो वृद्धि, माइनस आता तो कमी। कहता वस्तु के दाम में वास्तविक परिवर्तन क्या आया, 8% की वृद्धि। बोलो ओके, ठीक है, चले आगे। अब क्या कहता है, क्या कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में दो बार क्रमशः 20% और 10% की छूट दे दी। इस बार हमने पहले 20% की छूट दी, फिर 10% की छूट दी, छूट मतलब कमी कर रहे हैं ना, तो माइनस ले लिया। ठीक है, दो बार परसेंटेज में मैंने कहा प्लस प्लस माइनस प्लस कुछ होता है, तो फॉर्मूला वही है, ए बी ए गुणा बी बटा 100, ये माइनस है ये माइनस है, एक माइनस दूसरा भी माइनस, तो गुणा करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, -20 -10 -30 जमा 2 यानी कि -28%। और माइनस का मतलब क्या है, आप माइनस को हटाएंगे और 28% की छूट यानी कमी यानी कि छूट, इस आपका आंसर आया। बोलिए कोई तकलीफ है ना, आसान। कहता है अगला, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई, ठीक है, पहले 25% कमी कर दी गई और फिर 20% वृद्धि कर दी, वही चीज यहां भी लगेगी, ए बी ए गुणा बी बटा 100, माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, -25 जमा 20, माइनस का 5, और ये आपका 25 चौके 100 और 4 पंजे 20, माइनस का 5, माइनस 5 माइनस 5 कट गया, 0 हो गया, नो माइनस माइनस जुड़ गया, तो 10% क्या हुआ, 10% का दाम कम हो गया, 10% की क्या आ गई कमी। बोलिए समझ आया, चले आ गया। अब यहां तक किसी को कोई तकलीफ, अब क्या सवाल है आपका, कहता है एक मोबाइल का दाम पहले तो 20% बढ़ा दिया गया और उसके बाद फिर 20% घटा दिया गया, ठीक है, पहले उतना ही बढ़ा दिया फिर उतना ही घटा दिया। तो माय डियर बहुत आसान है, जब भी ऐसा सवाल होगा कि उतना ही कम उतना ही ज्यादा,
या उतना ही ज्यादा उतना ही कम। आप क्या करेंगे, सिर्फ इसका वर्ग कर देंगे और बटे में 100। और ध्यान रहे, हमेशा होगी कमी, हमेशा कमी ही होगी। जब उतना ही प्लस और उतना ही माइनस करेंगे, हमेशा कमी होगी। और स्क्वायर अपॉन 100, 400/100 मतलब 4% कमी। बोले ओके, समझ आया, कोई तकलीफ? जैसे हमने पिछला सवाल किया था वैसे भी अगर आप देखें, प्लस 20 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20/100, तो ये प्लस माइनस कट ही जाना है। और ये एक प्लस एक माइनस तो हमेशा माइनस ही आएगा, इसीलिए मैंने कहा हमेशा कमी ही होगी और स्क्वायर बटा 100। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी उतना ही प्लस या उतना ही माइनस होगा कुछ नहीं करना, हमेशा कमी होगी और स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, चले आगे। अब क्या सवाल है हमारा, कहता है जब राम की आय हरि की आय से 20% ज्यादा, मतलब राम हरि से 20% ज्यादा कमाता है, तो हरि की आय राम की आय से कितना ठीक है कितना परसेंट कम होगी। यहाँ पे एक ज्यादा है तो एक कम होगा ना। कहता है जब राम हरि से 20% ज्यादा कमा रहा है तो हरि राम से कितना परसेंट कम कमा रहा है। आप पैसों में देखिए, अगर राम को मिले 10,000, ठीक है, और हरि को मिले मैंने कहा मान लो 20,000, मैंने कहा हरि को इससे कितना मिल रहा है, दुगना, इसको इससे कितना मिल रहा है, आधा। अगर मैं कहूं राम हरि से 10,000 रुपए कम लेता है और हरि राम से 10,000 रुपए ही ज्यादा कमाता है, तो रुपए की बात करें तो अमाउंट सेम रहेगा, वो उससे 10,000 ज्यादा और वो उससे 10,000 कम। पर जब बात करते हैं हम परसेंटेज की, जिससे कैलकुलेट किया जाता है वो नीचे, देखो 10,000 तो ये इसका 20 कितना हुआ, 100% ज्यादा हुआ ना, और ये इसका 50% हुआ। 20,000 के लिए 10,000 50% है ना, इस 20,000 वाले के लिए 10,000 क्या है, 50%, पर इस 10,000 वाले के लिए 10,000 क्या है, पूरे 100%। तो फर्क यहां पड़ता है। तो मैंने कहा ध्यान रहे कि जब राम हरि से 20% ज्यादा कमा रहा है तो हरि राम से 20%, जब राम हरि से 20% ज्यादा कमा रहा है तो हरि राम से 20% ही कम कमाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसने क्या दिया है, 20% अधिक, तो आप क्या लेंगे, 20 लेंगे, और अधिक है तो 100 में 20 नीचे जोड़ देंगे, कम होता तो 100 में से 20 घटा देते, समझ आया ना। तो मैंने कहा 20 लेंगे और ज्यादा है तो नीचे जोड़ दिया और गुणा 100, आपका आंसर आ गया 20 × 120, 100/6 यानी 2 से कटा और ये भी 2 से कटा, 50/3 यानी कि 16 × 2/3% आपका आंसर। ए बी से 20% ज्यादा है तो बी ए से कितना कम है, आपका आंसर होगा 16/2/3%, ध्यान रहे। ठीक है, ये 20% ज्यादा तो ये 16/2/3% कम। ओके, एक और देखे हैं, सही कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा, 20 दिया है, कम दिया है तो इस बार 100 में से 20 घटा लेंगे। बोलो ओके, दिख रहा है सबको, 20 × 80 और 4 से कट गया 25, आपका आंसर आ गया 25%। बताइए कोई तकलीफ इन दोनों सवालों में, चले आगे। आगे आइए, अब हमारा क्या क्वेश्चन है, कहता है घी का दाम 25% बढ़ गया, अब हो गया घी महंगा, अब गृहिणी क्या करेगी, इसकी खपत कर देगी कम, खर्च अपरिवर्तित रहे, ताकि भैया कमा के तो उतना ही ला रहे हो, घर में कमा के तो उतना ही दे रहे हो, उतने में बजट बनाना है, तो गृहिणी, गृहिणी मतलब तो ग्रहण लगा दे, है ना। तो वो कहता है गृहिणी इस घी के दाम में कितनी कमी कर दे, कितना ग्रहण लगा दे घी में, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, समझ रहे हो ना। आओ देखो, वही चीज यहां भी है, चीनी हो गई 25% महंगी, हमें उसी खर्चे में काम चलानी है तो कितनी कमी कर दें। ठीक है, तो 25/125 × 100, वही कहानी यहां भी चलेगी, 25 × 125 और 5 से कट गया 20, आपका आंसर आ गया 20%। बोलिए कोई तकलीफ है ना, आसान, बढ़िया, मजेदार। हाँ, अगला देखो, अब चीनी का दाम हो गया 20% कम, ये तो हुआ था ज्यादा, अब क्या करेगी आपकी हाउस वाइफ, कहता है जब 20% कम हो गया अब क्या करोगे, इसके उपयोग में कितने परसेंट वृद्धि कर दी जाए। लो जी, अब चीनी खाओगे ज्यादा क्योंकि चीनी हो गई सस्ती, चाय पियोगे तो होंठ चिपक जाएंगे, है ना, क्योंकि अब आपको करनी है उसके उपयोग में वृद्धि, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे उतने ही खर्चे में, तो इस बार कमी है तो क्या करोगे, नीचे
अस्सी, बोलो ओके। ठीक है, ये क्या आया, 20 चौके 80, 4 से कट गया 25, तो 25% वृद्धि। बोलिए कोई तकलीफ यहां तक, समझ आए दोनों? तो जब भी ऐसा कोई सवाल हो कि घी का दाम इतना बढ़ गया, उसकी खपत कितनी कम कर दें, एक वृद्धि दी हो कमी पूछ रहा है, तो आप इस तरह का सवाल करोगे। अगर जैसे मान लो ये आयत त्रिभुज में भी इस तरह का सवाल आएगा। चलिए अभी देखते हैं अगला सवाल। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारा, कहता आयत की लंबाई, एक आयत यानी रेक्टेंगल आपका है, कहता इसकी लेंथ अगर हम 50% बढ़ा दें, ठीक है ना, तो इसकी जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई कितनी कम कर दें कि एरिया वही रहे, जो पहले वाले का एरिया था अब इसका एरिया वही, ठीक है, वही चीज है, 50% बढ़ गया, क्षेत्रफल वही रहे, तो चौड़ाई में कितनी कमी कर दें, जैसे अभी गृहिणी ने ग्रहण लगाया था ना, वैसे ही 50% ज्यादा कह रहा है, तो नीचे हमने जोड़ दिया और गुणा क्या करेंगे, 100। ठीक है, 50 दिए 150, और 100/3 क्या आया दोस्त, 33 सही, 1/3%। बोलिए कोई तकलीफ? ठीक है, ऐसा ही ये त्रिभुज के केस में कह रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई में 20% कमी कर दी। ये जो इसकी ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इसका क्या था, एल इंटू बी, तो एल और बी का रिलेशन, इसमें बी और एच का रिलेशन, तो कहता है इसकी ऊंचाई 20% कम कर दी, तो आधार में कितने परसेंट वृद्धि कर दे, वही 20 बटे में कमी कह रहा है, तो नीचे क्या करेंगे, नीचे क्या करेंगे, 80, क्योंकि कमी कह रहा है तो नीचे 80 लेंगे, 100 में से 20 घटाएंगे ना, बिल्कुल सही, और 20 चौके 80 और 4 से कट गया 25। बोलिए समझ आया, ये अच्छी तरह ये वाला टाइप समझ में आया होगा, चलते हैं आगे। शाबाश, देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, संतरे का दाम 40 रुपए किलो से घटकर 30 रुपए किलो हो गया, ठीक है, पहले था 40 रुपए केजी, अब हो गया 30 रुपए केजी, कह रहा कमी परसेंट ज्ञात करो। मैंने कहा कमी पिछली क्लास में बताया था, ये भी आप कितनी कमी हुई, 10, कमी परसेंट निकालना है तो कमी ऊपर, ठीक है, और नीचे हमेशा ओल्ड डाटा आता है, गुणा में 100, ओके, सिंपल आपका आ गया 25%, कोई तकलीफ यहां तक, ये तो आसान था। अब जो अगला सवाल है, इसी को मैंने एडवांस किया, ये तो पिछले चैप्टर का, ये पिछली क्लास में हमने किया था, कहता है संतरे का दाम 40 रुपए किलो से घटकर 30 रुपए किलो हो गया, बताओ कोई व्यक्ति इसकी खपत में कितने परसेंट वृद्धि कर दे कि खर्च वही रहे। देखो संतरा सस्ता हो गया, अब कितना ज्यादा खाएं, संतरे का जूस नाश्ते में, संतरे का मुरब्बा, संतरे का अचार, संतरे की सब्जी बन जाएगी, पता नहीं क्या क्या बनेगा भैया, सस्ता हो गया है ना, तो कहता है संतरे का दाम 40 से घटकर 30 रुपए हो गया, अब बताओ इसकी खपत कितनी बढ़ा दे कि खर्च वही रहे। ठीक है, एक बात बताओ, क्या पूछ रहा है, वृद्धि परसेंट। अच्छा यहां आपको अब समझना है क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी पूछ रहा है, वृद्धि उल्टा कर रहा है हमारे साथ, हम भी अब उल्टा करेंगे। मैंने कहा था नीचे हमेशा ओल्ड डाटा आता है, यही कहा था ना, पर इस बार नीचे क्या आएगा, न्यू डाटा, क्योंकि हो रही है कमी और पूछ रहा है वृद्धि, तो 10 नीचे न्यू डाटा गुणा में 100, आपका आंसर आ गया 100/3 मतलब 33 सही, 1/3%। बोले समझ आया, हो रही है कमी पूछ रहा है वृद्धि, या होती वृद्धि और पूछता कमी, हम तब भी ऐसा ही करते, ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए अब हमारा क्या क्वेश्चन है, कहता है चाय की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, 10% की महंगी हो गई चाय, तो अब एक ग्राहक 880 रुपए में 4 किलो चाय कम खरीद पा रहा है, जब चाय महंगी हो गई, आज मैं 880 रुपए लेके ही गया था, पहले जितनी चाय लाता था आज मैं उससे 4 किलो चाय कम लेके आया हूँ, क्यों कम लाया हूँ, क्योंकि 10% चाय महंगी हो गई। कहता है बढ़ा हुआ मूल्य और नया मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ध्यान दीजिए जब हमें निकालना है नया भाव, देखिए यहां दिख रहा है सबको, ठीक है ना, जब कहता है नया भाव, तो मैं क्या करूंगा, क्या हुआ है 10% महंगी हो गई है, तो मैंने कहा 10/100, और क्या फर्क पड़ा इस 10% का, 880 में 4 किलो कम आ रही है। बोलिए ठीक है, 10% परसेंट मतलब बटे 100, 10% से 880 में 4 किलो कम, 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 2 8, 4 2 8,
आंसर आ गया 22 रुपए किलो। सिंपल, नया भाव में आपने कुछ नहीं करना, 10% महंगी है चाहे सस्ती है, 10 पर 100, 880 रुपए में 4 किलो कम बस। हाँ, अगर ये पुराना भाव पूछता तो आप क्या करेंगे, कहता 10% महंगी हो गई है तो 10/110, अगर सस्ती कहता तो नीचे क्या लेता, 90, महंगी हो गई तो नीचे क्या लिया, 110, तो 10/110, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, 880 रुपए में 4 किलो चाय कम खरीदी। बोलिए 110 अट्ठे और 4 दुनी 8, 20 रुपए किलो। तो पुराना भाव था 20 रुपए किलो, नया भाव है 22 रुपए किलो। जो पूछेगा आप सीधा वही निकालना है, मैंने दोनों निकलवा के दिखा दिया। बोलिए समझ आया। देखें एक और, कहता है चीनी के दाम में 20% की कमी हो गई। देखो अब चीनी 20% सस्ती हो गई, तो आज मैं 600 रुपए में 5 किलो ज्यादा चीनी लाया हूं, ठीक है ना, और दिन जितनी लाता था आज उससे 5 किलो ज्यादा चीनी मिली क्योंकि 20% सस्ती हो गई। तो अगर नया भाव कहेगा तो 20% मतलब 20/100, और 600 में 5 किलो ज्यादा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। 2 जीरो तो ये कट ही गए, 5 चौके 20 और 6 चौके 24 रुपए किलो। तो ये थी चीज, यहां तक दिख रहा है सबको, ठीक है, 24 रुपए किलो ये है चीनी की नई कीमत। अगर पुरानी कीमत पूछता तो मैंने कहा 20% सस्ती हो गई तो 20/80 कमी है तो नीचे 80, वृद्धि होता तो नीचे 120, और इसका फर्क क्या पड़ा, 600 रुपए में 5 किलो ज्यादा, ठीक है। काट लेंगे आप 5 20 चौके 80, ठीक है, और 4 से आप 5 चौके 20 और 20 3 60, ये आ गया आपका 30 रुपए किलो। दोनों भाव मैंने निकाल दिए। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, इसके आगे और बहुत मजेदार मजेदार ट्रिक्स इस चैप्टर में आने वाली है, उनको देखेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। तो ये परसेंटेज की 2 क्लासेस हमने खत्म कर दी है, अभी इसकी कुछ क्लासेस और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर पेपर में ये आता है। तो माय डियर अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड जितने सवाल मिलते हैं उनको करते रहें, और अभी आगे हम और कुछ चीजें सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।